हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आईआरटी स्टैक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक सिस्टम जो है उसका रिमोट एक्सेस दूसरे सिस्टम से कैसे लेंगे विद द हेल्प ऑफ विंडोज़ रिमोट असिस्टेंट। ये क्या है? विंडोज़ 10 का इनबिल्ट फीचर है। इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करनी है। जस्ट क्या करना है आपको, एक फर्स्ट कंप्यूटर जिसका रिमोट एक्सेस लेना है उसमें एक फाइल जनरेट करेंगे, इनविटेशन फाइल, और उसके साथ ही एक पासवर्ड जनरेट होगा। और ये जो है फाइल को हम ट्रांसफ़र करेंगे इस दूसरे सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ यूएसबी और मेल। किसी भी तरीके से हम उसमें इस इनविटेशन फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे। तो आइए मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कैसे आप विंडोज़ रिमोट असिस्टेंट के हेल्प से एक डेस्कटॉप का रिमोट दूसरे डेस्कटॉप के रिमोट से आप ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप विंडोज़ आर प्रेस कीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए msra.exe और इंटर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये पॉपअप मेन्यू ओपन होगा जिसमें हमें क्लिक करना है इनवाइट समवन यू ट्रस्ट टू हेल्प यू। तो यहाँ पे आप क्लिक करते ही ये देखिए तीन ऑप्शन आएंगे, जो भी आपको सूटेबल लगे, जैसे सेव दिस इनविटेशन एज अ फाइल, यूज़ ईमेल टू सेंड एन इनविटेशन। तो सबसे पहले हम सेव दिस इनविटेशन एज अ फाइल को सेव कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में। यहाँ डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। अब सेव करने के बाद सेंड दिस इनविटेशन फाइल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा एक पासवर्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो हम इस पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं और जस्ट सिंपली हम मेल के थ्रू जो है इसको भेज देते हैं। यहाँ पे जीमेल पे आते हैं, जीमेल, यहाँ पे न्यू जीमेल। अब जैसे ये मैं खुद को ही भेज देता हूँ IERTians टेक। आप चाहे तो USB की मदद से भी भेज सकते हैं उस सिस्टम में। .com सब्जेक्ट क्या है? विंडोज़ रिमोट असिस्टेंट। यहाँ पे आप उस की को पेस्ट कर दीजिए की और फाइल को अटैच कीजिए। ये हमने डेस्कटॉप में सेव किया था ये इनविटेशन नाम से। ओके, ओपन। अब हम इसको सेंड कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरे सिस्टम में जाके इस फाइल को डाउनलोड करेंगे। आइए अब हम दूसरे सिस्टम में चलते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा सिस्टम जिससे हमें पहले सिस्टम को रिमोटली लेना है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, पहले सिस्टम से ये इनविटेशन फाइल और ये कोड को जो है वो जीमेल के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस पे इनविटेशन पे क्लिक करेंगे और पासवर्ड को कॉपी करेंगे। और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ओके, ओके करते ही ये हमारे दूसरे सिस्टम में रिक्वेस्ट के लिए पूछेगा, वहाँ पे हम यस कर देते हैं। यस करते ही ये देखिए दूसरा सिस्टम जो है उसको हम रिमोटली एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ से हम रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं कि इसको इस सिस्टम से कंट्रोल कर सकें। यस, ये दूसरे सिस्टम से हमने यस कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम दूसरे सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कितना इजी है विंडोज़ रिमोट से एक्सेस करना, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई तीसरा सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना है। समटाइम क्या होता है आपका मे बी कनेक्शन ना हो, तो उसके लिए आप सिंपली चेक कर लीजिए, जैसे कि आप दिस PC में जाएंगे रिमोट एक्सेस है कि नहीं है। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, रिमोट सेटिंग, और यहाँ पे देखिए ये जो है जो हमारा रिमोट अलाउ रिमोट असिस्टेंस कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर ये टिक होना चाहिए, और ये दूसरा अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर, अगर ये टिक नहीं रहेगा तो ये रिमोटली कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो आपने देखा कितना इजी प्रोसेस है, एक फाइल को ट्रांसफ़र करके हम कहीं भी किसी भी नेटवर्क के थ्रू हम
एक डेस्कटॉप का एक्सेस जो है दूसरे डेस्कटॉप से ले सकते हैं। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं IRTNS Tech। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट द बेल, प्रेस बेल आइकन।